चले, आपके पास जो साइट है ना, मेरे पास सेटअप नहीं है बेसिकली। इसको मेरे आपके एक थीम है जिसका नाम एस्टर है, ठीक है, एस्टर बोलते हैं उसको, एस्टर बोले आप, जी है। उसके डैशबोर्ड में यहाँ पे चला जाऊँ, डैशबोर्ड में कैसे देंगे इसको, यहाँ से करते हैं क्लिक, यहाँ पे आते हैं। ये बेसिकली इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। ये वही सेटअप जो आपने स्टार्ट में किया होगा, इस डैशबोर्ड है। आपने क्या करना है, अपने अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे आके अपने थीम पे क्लिक करना है। ये वही स्टार्ट में जो आपने किया हुआ है, ये सब आपको पता है। एक्स्ट्रा थोड़ी सी हैवी है, ठीक है, मेरे पास पहले यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो आपने यहाँ पे करना है एड न्यू थीम। दोबारा से रिपीट करूँ मैं, इसको करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे सर्च के अंदर यहाँ पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं थीम का नेम। जैसे आप इस थीम का यहाँ पे नेम लिखेंगे तो ये नीचे क्या सर्च कर रहे हैं देखिए। सर्च करने के बाद इसको आपने यहाँ से करना इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करना, क्योंकि थोड़ी सी हैवी है ये। जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ये क्या हो जाएगी आपके पास एक्टिवेट, आपने खुद से करनी है एक्टिवेट, ठीक है। जब आपके पास एक्टिवेट हो जाए तो हम इसके बैक की तरफ आते हैं। हम देखिए, मेरे पास पहले ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है। असल में मैं ये चाह रहा था कि पहले से इंस्टॉल कर लूँ, मैं टाइम बच जाएगा, क्योंकि वो तो थोड़ा टाइम लेती है ना, काफी सारा टाइम लेती है इंस्टॉल होते 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 होते। देखिए सिस्टम यहाँ पे क्या इंस्टॉल है, इसको तो मैं यहाँ से कस्टमाइज करता हूँ। कस्टमाइज करने का मतलब ये हुआ कि इस थीम को हम खुद से क्या कर रहे हैं, अंदर से कस्टमाइज यानी कि बना रहे हैं उसको, इसकी चेंजिंग कर रहे हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपने किस तरह से साइज को चेंज करना है। देखें अभी आपके पास सब कुछ वही आ रहा है, हेडर कैसे चेंज होता है आपका, ठीक है, देख लें। पास पेज बिल्ड कैसे है, फुटर कैसे है, साइट आइडेंटिटी कैसे आती है, विजिट्स कैसे चेंज करते हैं आप, मेन्यूज कैसे होते हैं आपके पास यहाँ पे, होम पेज की सेटिंग कैसे करनी है आपने, सी एस एस कैसे यहाँ पे आपने लिख के आना है, एडिशनल जो आप यहाँ पे लास्ट में ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, आप अगर इसको मैं वापसी यहाँ पे आता हूँ, आने के बाद आपने क्या करना है, आप सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आना है आपने। ये तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, डैशबोर्ड के अंदर आएंगे ना तो इस तरह के आपके डैशबोर्ड में यहाँ पे क्या आएगा, इस तरह के नाम से ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेने के बाद फिर आपने इसी ही के ऊपर क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है उसे। ठीक है, मेरे पास यहाँ से ऑलरेडी ये देखें स्टार्टर टेम्पलेट्स क्या है, यहाँ पे एक्टिवेटेड है ऑलरेडी। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लेना, देखें 280+ रेडी टू इम्पोर्ट टेम्पलेट्स, यानी कि 280 टेम्पलेट इसमें ऐसे पड़े हैं जो इस टाइम फ्री है आपके पास। 280 टेम्पलेट्स यहाँ पे उनके पास इतने पड़े हैं कि उनको आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी ये देखें बहुत कुछ आपको फ्री दे रहे हैं। अच्छा, आपके पास जब इसको करेंगे ना आप एक्टिवेट, एक्टिवेट करने में थोड़ा सा टाइम लेगा आपको। उस टाइम के अंदर ना आपने क्या करना है, थोड़े डंड मार लेना, चाय शाय पी लेना, खाना चना खा लेना, बाहर घूम सुन के आ जाना, ठीक है। इतना टाइम ले लेगा आपके, आपको ये डिपेंड करते हैं आपके स्पीड के ऊपर नेट की, ठीक है, और डिपेंड करते हैं आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर कितना टाइम लेता है वो। जब मैंने किया अभी तो मेरा कम से कम उसने 4 से 5 मिनट ले लिया, करते करते ऐसे तो नेट की स्पीड भी अच्छी थी और सिस्टम मेरा काफी अच्छा है। तो बाकी आप, हाँ जी हाँ जी, देखें ये ऐसे आपके पास इस तरह से शो होगा। देखिए ये बता दो मैं आपको इसको रुक जाए फिलहाल के लिए, ठीक हो गया। अब देखें इसमें, अब डू मोर विद एस्ट्रा प्रो ड्यूज, देखें कलर्स बैकग्राउंड, ठीक है, स्पेसिंग, ये सब इसमें प्रो के वजन में दिया हुआ उसने यहाँ पे, ये बहुत कुछ यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। जब आपके पास ये सारा कुछ हो जाए यहाँ पे होने के बाद, करने के बाद आपने कहा क्या करना है, आपने स्टार्टर टेम्पलेट्स के ऊपर यहाँ पे आना है आपने, ठीक है। जहां से आपको समझ ना आए तो बताते ना मुझे।
कौन सा आ रहा है आपका? ये क्या है भाई, क्या दिया मैम उसको? एक्टिवेट किया था आपने किसको? अच्छा देखिए, मेरे पास भी सेम वही आ रहा है, आप देख लें आप। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे दो पास ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन कौन सा आपके पास? ट्राई द न्यू AI बिल्डर, इसको अपने भी नहीं छेड़ना फिलहाल के लिए। अपने खुद से टेम्पलेट्स को क्या करना है, बिल्ड करना है आपने। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, यहाँ पे जब क्लिक कर लेंगे, आपके पास तीन इस तरह से ब्लॉक्स आपके पास शो होंगे पेज पेज के ऊपर। वो कहता है कि आप क्या करो, पेज बिल्डर को यहाँ पे क्या करो, चूज करो, सिलेक्ट करो कौन कौन सा आपने लेना है, कौन सा नहीं लेना आपने। देखिए, हमने एलिमेंटर ही इस्तेमाल किया हुआ है जो सीखा हुआ है, वो कौन सा आपके पास जो था एलिमेंटर जिसको आपने इस्तेमाल भी किया हुआ है, तो हम एलिमेंटर पे ही क्लिक करते हैं। जब आपके पास एलिमेंटर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे आएंगे टेम्पलेट्स आएंगे जो इस थीम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है लोकल बिजनेस, यहाँ पे क्या है पर्सनल कार, यहाँ पे क्या है प्रोफेशनल प्रोफेशनल साइड, यहाँ पे क्या आ रहा है कम्युनिटी के बारे में, यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आ रहे हैं टेम्पलेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉग्स के बारे में यहाँ पे आ रहे हैं बहुत से। अच्छा, मैंने इस टाइम अपनी साइट के ऊपर इस टाइम एक्टिवेट किया हुआ है ना, वो कौन सा है? मैंने साइट पे कौन सा किया हुआ है? देखिए, आउटडोर एडवेंचर, मैंने बेसिकली उसका टेम्पलेट उठा के यहाँ पे एक्टिवेट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक जरा बराबर मैंने इसमें चेंज नहीं की। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर मैं इसको लेता हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर को यहाँ पे लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, इसको मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं होता ही नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड के ऊपर। देखें, अब आपके पास जो टेम्पलेट शो होगा उसमें ये कुछ दिखाएगा, उसमें ये कुछ होगा इस तरह से, ये बना बनाया आपको सब कुछ दे रहे हैं यहाँ पे। आ रही समझ? ये देखें, ये सब कुछ आपको बना बनाया यहाँ पे दे रहे हो। ठीक है, अब आप इस तरफ आ जाए, इसके लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्किप और कंटिन्यू। आपने लोगों को से अपना रखना है इसमें, ठीक है, कि आप अभी से इसका लोगो, आपने अगर लोगो इसका लगाना है तो आप लगा दें ऊपर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लोगो, यहाँ से क्या करें उस पिक को अपलोड करें आप, तो यहाँ पे टोन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टोन मार्क, यहाँ पे इसके साथ आपको यहाँ पे क्या लग जाएगा, लोगो लग जाएगा यहाँ पे, बाकी सब कुछ वही जो मैंने पहले सिखाया हुआ आपको। ठीक है, इसका लोगो कैसे लगाना है आपने, उसका उसकी हेडिंग कैसे चेंज करनी है आपने, पेज कैसे डेवलप करना है आपने, ये बना बनाया थीम आपको दे रहा है। यहाँ से आप करेंगे ना क्लिक, इसके बाद देखिए आपसे वो मांगेगा जो आपके पास पड़ी है यहाँ पे, आपका लोगो जो होगा ना, लोगो लोगो को आपने पहले से ही सेट करना है आपने। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं कर रहा फिलहाल के लिए, अगर करना हो ये भी दूसरे मैंने बताया हुआ आपको सारा, कि आपने लोगो कैसे इसका आपने क्या करना होगा, कस्टमाइज भी करना होगा, वहाँ पे क्या होगा साइट आइडेंटिटी, वहाँ पे क्लिक करना होगा, तो वहाँ से उसका टाइटल और उसका लोगो क्या हो जाएगा वहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं कहता हूँ स्किप कर दो फिलहाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि उसके आपने क्या करना है, फॉन्ट्स के कलर है और फॉन्ट यहाँ पे देना है, तो अगर ये देना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पे दे सकते हो, मैं अभी फिलहाल नहीं देना चाहता, तो उसको मैंने यहाँ से करना है कंटिन्यू। ठीक आपके पास ऐसे होते हैं, देखिए लिंक स्टार्टर टेम्पलेट्स, दिस इज अ प्रीमियम टेम्पलेट्स कम्स विद आवर एसेंशियल एंड बिजनेस टूलकिट। ठीक है, अगर इसको आपने लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, देखिए इस टेम्पलेट को,
जो के पास जिसमें वो पैसे आपसे लेंगे ना परचेज करने के लिए कहेंगे, उनको अपने नाम यहाँ पे नहीं लेना आपने, ठीक है। देखें अगर आपको वो कहते हैं ना कि इसके क्या करो पेमेंट, इसकी परचेज करो आप, देखिए वो यहाँ से कह रहे हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, हम कोशिश करके देख लेते हैं, हो सकता है कैसा हो जाए पॉसिबल, क्यों क्या करें हमें दे दे पढ़ कर ले। शर्त ये है कि हमसे वो पैसे ना मांगे, ठीक है। हाँ मेरे पास वो कहता है यहाँ पे अकाउंट नहीं है, तो आपने यहाँ से क्या करना है कौन अपने उसके बाद ही चलेगा, ठीक है। हम नहीं कहते उसको ये मेरा काम फिर हर करे, ये काम नहीं है मेरा, इसको मैं यहाँ से कह रहा हूँ क्रॉस, हम और टेम्पलेट्स यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। वैसे जो मैंने यहाँ पर लिया ना ये वाला लिया हुआ है आउटडोर वाला, देखिए ये इंडिया हुआ। यहाँ से मैंने क्या किया इसको स्किप, मैंने यहाँ से किया हुआ कंटिन्यू, देखिए यहाँ भी क्या कहता है सबमिट बिल्ड माई फ्लैट, ये सारा कुछ आपने लेना है, सब कुछ इंपोर्ट कंटेंट, इंपोर्ट विजेट्स, इंपोर्ट कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज सेटिंग, डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट्स, जो मेरे पास पहले से साइट के ऊपर क्या इंपोर्ट हुआ बड़ा कुछ, उसको क्या करते हैं यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आपके पास है एग्री टू रिसीव योर न्यू सिलेटर एंड एक्सेप्ट द डेटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, इसको अपने एग्री करना तो करते हैं, यहाँ पे नेम दे दें यहाँ पे, ठीक है। बिल्ड है इसको यहाँ पे अगर करना चाहते हैं करते हैं, वैसे मैंने कुछ भी नहीं किया था इसको, मैंने यहाँ से क्या किया था सबमिट एंड बिल्ड किया था, तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा आपसे, यहाँ पे इस जगह पे कुछ टाइम लेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम क्या है डाउनलोड हुआ पड़ा है, इसमें इंस्टॉल है, ठीक है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं ले रहा, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लेगा यहाँ पे। इसको करने के बाद ना इसमें मोर देन मतलब 280+ इसमें पड़े हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। आपने देखना है कि कौन कौन से टेम्पलेट्स इसमें यूजेबल हैं, तो उसमें से जो यूजेबल है उनको अपने पास देख ले, उनके नेम याद कर ले, क्या मेरे पास ये क्या है यूजेबल है, तो उनको जैसे आपके पास नीड हो इसकी तो उसको आपने अगर इस्तेमाल करना तो कर लिया करें। अभी ये आउटडोर का आपके पास जो मैंने पहले से यहाँ पे क्या किया हुआ है ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास ये एक्टिवेट हुआ पड़ा यहाँ पे, ठीक है। उसकी साइड इस तरह से शो हो रही है आपको, देखें इस तरह से शो हो रही है आप, ये साइड सारी की सारी, इसका होम का एक पेज है, इसका अबाउट का पेज है, इसका सर्विस का एक पेज है, प्रोजेक्ट का एक पेज है, कंटेंट का एक पेज है, ठीक है। अगर मजीद इसमें आपने कुछ पेज को डेवलप करने हैं, बिल्ड करने हैं, आपने बनाने हैं, तो आपने क्या करने, आपको पता है कि हमने कैसे इसके पेज को बनाते हैं, सीखा हुआ है आपने सब कुछ, नहीं सीखा हुआ? हाँ जी सीखा हुआ आपने, ठीक है। मेन्यूज बना रहे हैं इसमें, इस पेज के अंदर कुछ क्या करते हैं आप, देखें इतना कुछ काम हो करके दे रहे हैं आपको, तो मजीद क्या काम बनता है आपके, कुछ बचता है इसमें? हाँ ये है कस्टमर के नीड के मुताबिक जो कुछ जो चाहिए आपको, लाइक आपको देखिए आपके पास 2 4 5 यहाँ पे आपको क्या दे रहा है वो पेज बना के दे रहा है। अब मैं कंटेक्ट पे आता हूँ, ठीक है। जो कस्टमर होगा ना, कस्टमर के जो क्या होते हैं कॉन्टेक्ट की नीड होती है एक पेज के ऊपर कि मुझे क्या क्या चाहिए कस्टमर का, देखिए उसको क्या क्या कुछ चाहिए, एक मिनट वो हो जाए ना, वो अभी वार्निंग दे रहा है क्योंकि वो क्या हो रहा है अभी स्टार्ट कर रहा है। एक कोशिश और करना कि जब एक चीज आपकी इंस्टॉल हो रही है, जैसे आप यहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं, इस दौरान आपने अपने डैशबोर्ड में या अपनी साइट के ऊपर आपने दूसरा काम नहीं करना, कोशिश करना, वो वरना क्या कर देते हैं वो फाइल्स को करप्ट कर देते हैं, कोशिश किया करें, ठीक है। कहते हैं वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, तो भी वो बना रहे हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ ताकि ये फिर आगे मसला ना करे मेरा। तो मैं यहाँ से अभी फिलहाल इसको कंटिन्यू करता हूँ, देखो इतना टाइम लेगा आपसे, नहीं और काम की बात नहीं कर रहा, मतलब अपनी साइट के ऊपर और अपने इस डैशबोर्ड के ऊपर कोई और काम ना करना, इसके साथ साथ बाकी भी काम कर लें आप, यूट्यूब पे काम करना हो आपने, किसी और टैब पे काम करना हो आपने, वो करते रहे हमारे साथ साथ, कुछ नहीं है उसका, लेकिन साइट के ऊपर जब ये हो रहा हो तो उस पर काम ना दिया जाए। जैसे कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं आप, कोई सेटिंग आप चेंज करते हैं, तो मैं नहीं आज नहीं करूंगा,
इंशाल्लाह कल करूंगा। कल बच्चों को मैंने कह दी है, वैसे क्लास थी आज 7 बजे ऑनलाइन मीटिंग थी, लेकिन मैंने कह दी कल वैसे फ्री हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो कल हो जाएगी क्लास। हाँ लिंक तो ग्रुप में आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है जी, जैसे आपके पास ये 90+ होगा आपके पास, यहाँ से वो क्या हो जाएगा आपका, ये मुकम्मल हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा आपका। देखिए इम्पोर्ट उसने कर लिया, आप एबीएस को इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब उसकी फिनिशिंग हो रही है उसे। हाँ जी चलो, इसको करने के बाद देखेंगे आपका ये क्या हो गया। वो कहता है आपका ये टेम्परेट सिस्टम डेवलप हो गया, आपको बिल्ड हो गया, आप चाहते हैं यहाँ से अपनी वेबसाइट को यहाँ से देख सकते हैं। अभी आपका एक टेम्परेट हुआ है जो आप साइट पे लेके आ रहे हो। ठीक है जी, ना। हाँ जी, ये टेम्परेट फ्री है जो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए मैं ये वाला, ठीक है, ये इस टाइम फ्री है तो मैं देन इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से, आप देखें इनके पास डैशबोर्ड है, मेरे पास इसका डैशबोर्ड है, देखें ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, तो आप क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है आपने, आपके पास वही ऑप्शन आएगा, कौन सा, स्टार्टर टेम्पलेट्स, यहाँ से कर लें या आप यहाँ से कर लें आप। ठीक है, देखिए मैं इसको दोबारा यहाँ पे आता हूँ, इसके ऊपर आपने खुद से सर्च करने हैं कि कौन कौन से आपके जो टेम्पलेट्स यहाँ पड़े हैं वो कौन कौन से फ्री हैं आपके पास, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, यहाँ से आपने क्या करने हैं उनको लेने हैं टेम्पलेट्स को। वही सेम तरीका जो पीछे हमने किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसको देख लेते हैं हम, ये हमें फ्री देता है या नहीं देता। महवेश आवाज आ रही है आपको? देखें जी, इसका जो आपके पास यहाँ पे रिव्यू आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ से स्किप करके ना आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या, देखिए ये भी हो जाएगा आपके पास, के देखें इसको, हो सकता है फ्री में दे दे। ठीक है, सर आपके पास आ रही है, तो अल्लाह के बंदी बोल ले करें, क्योंकि यहाँ पे कौन बंदे ही बैठे हैं, मेरी तरफ से अनम्यूट है और अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी आपको ये थोड़ा सा इशू हो ना तो मुझे मैसेज कर देना आप, इसलिए कहता हूँ ये क्लासें लिया करें साथ साथ, ताकि आपको ना ये समझ आए, पता चले आप, कोई बात नहीं, ये हो जाता है कभी कभार ऐसा, नोट वरी। वैसे भी ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं इसको ना चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आपको ये मिल जाएगा, अब वहां से जाके देख सकते हैं इसको, स्टार से लेके अब तक एंड तक। देखिए ये इतना टाइम ले रहे हैं, वो जो मैंने पहले मैंने किया था ना उसपे, वो मेरे पास पहले इंस्टॉल था, अब जो ये मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, ये अब स्टार से स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टॉलिंग, तो अब थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा वो। तो इस टाइम में आपने कुछ डंड मारने हो, ठीक है, कुछ आपने चैसे भी नहीं हुआ आपने, तो थोड़ा टाइम तो लेगा, लाजमी है, पहले 7 पे आ गया, फिर 9 पे आ गया, फिर 13 पे आ गया। कहाँ तो अब क्या करना है आपने, इस तरह का टेम्पलेट्स लेके ना आपने, ठीक है, जब टेम्पलेट आपके पास इस तरह से आ जाए तो आपने फिर उसको कस्टमाइज करना है खुद से, ठीक, उसमें आपने जो उसके बैकएंड पे पिक्स आ रही है उनको आपने चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग, उनके लोगोस को चेंज करना है, उनके नेम को चेंज करना है उनमें, ठीक है, उनके जो पेजेस हैं उनके नाम वहां पे चेंज करना है, कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे चेंज करना है आपने,
उनके जो इमेजेस हैं वहां पे, उन चीजों में जो कंटेंट है आपका, डेटा आपका दिया है वहां पे, उसको चेंज करना है आपने। बाकी सारा काम वही है सेम जो हम टीवी थीम के ऊपर कर रहे थे, जो हम जीटा थीम के ऊपर कर रहे थे, ठीक है, ये सारा काम वही है इनका। बट ये है कि ये बना बनाए आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत कमाल की चीज है, ठीक है, कि आपको इतना कुछ बना बनाया वो दे रहे हैं आपको। नहीं देखिए, वो कह रहे हैं कि आपके पास ये सब कुछ ऑलरेडी, हमने इम्पोर्ट करना है। नहीं, वहां से कुछ नहीं करना आपको। नहीं, अगर आपके पास वो वाली जो बनी पड़ी है ना, ठीक है, उसमें तो आपने काम किया हुआ सारा कुछ, सब कुछ बनाया हुआ आपने, तो आप ऐसा अगर एक अलग से बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, इस पे डिपो तो नहीं, हर तो नहीं होगी। हाँ, कोई हर तो नहीं, उस पे 5 मिनट लग जाएंगे आपको, तो उसको अलग बना रहे हो जो पहले से बनी पड़ी, उस पे वो काम रहने देने से करने से। और हाँ, एक काम और भी करना, आप जब आप एक नया सेटअप बनाए ना, तो उस नए सेटअप के अंदर आपके पास कुछ पोस्टें बनी बनाई रहता है, वो एक सैंपल पेज होता है आपके पास, ठीक है, उनको आपने वहां से खत्म कर देना है। सारे पेज वहां से क्या करने हैं आपने, रिमूव करने हैं, पेज भी रिमूव करने हैं आपने, ठीक है, आपने पोस्टें भी क्या करनी है वहां से डल कर देनी है। फिर उसके बाद इसको आपने इंस्टॉल करना है, फिर आपने टेम्पलेट लेना है, आपने ये मशीन कर लें अभी, और ये याद भी करना है इस बार रखना, क्योंकि अगर आपके पास पहले से पेज हुए ना, तो वो अब उसके टेम्पलेट्स में क्या होंगे, मिक्सअप हो जाएंगे, तो सारे टेम पेज आपने खत्म करने वहां पे, स्कूल स्टार्ट करने पहले। देखिए, तो मैंने पहले वाला वो करके दिखाया था, उसमें उसने 1 मिनट लिया था, लेकिन आप कितना टाइम ले रहे हैं उस पे? आपके पास कल का दिन है, आपके पास परसों का दिन है, आपके पास, ठीक है, तो ये 2 दिन आपके पास हैं, इन पे आपने खुद से कस्टमाइज करना है, ठीक है, ठीक कर उसको हो गया आपका, ये वाला हुआ है? अच्छा, पहले वाला हुआ है, चलिए इसको यहाँ से कर देते हैं। तो इसको आपने ठीक है, ये भी तो आ गया। आपके पास ये ग्राफिक डिजाइन, हाँ वही पेज है आपके, ये वही कुछ आ रहा है, ग्राफिक डिजाइन कंटेंट के ऊपर कुछ भी आ रहा है, तो पहले आपने बनाया हुआ है, देखिए। चलें, कोई नहीं, उनको वहां से देखें, आपके पास ये जो हेडर फुटर को से बनाया हुआ है आपने, ये को से बनाया था ना आपने हेडर फुटर, देखें जी, इसका जो यहाँ पे हो गया है, इसको हम यहाँ से कहते हैं व्यू। वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह का इसमें सेटअप था, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है इस तरह ओके। से।
देखिए जी, आपके पास बनी बनाई आपको एक पूरी की पूरी वेबसाइट को यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस चीज को बनाने बैठे ना तो काफी सारा टाइम लगेगा आपको। हो सकता है आपके पास एक टीक लग जाए, एक्सपर्ट बंदा बनाते हो। देखिए, अब इसको आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए, इतना कुछ वो बना कर दे रहे हैं आपको, इतना कुछ देख लें। मेरे ख्याल से इसको भी आप व्यू ऑल थीम यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेज है। आई थिंक सो इसको बनाने में आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा। अब इसको आपने कस्टमाइज कैसे करना है, देखिए उसका हेडर देखिए, उसका फुटर देखिए। हाँ जी, उसने दे दिए यहाँ पे। यहाँ पे उसने कॉलम्स यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। देखिए, चार कॉलम्स यहाँ पे दे रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना है इस पे, आपने सिर्फ जाके कहाँ पे उसकी कस्टमाइज में जाके ना, वहाँ पे क्या करना है, देखिए हम कस्टमाइज लिखा हुआ है। अब मैं आपको बाकी पेज दिखाता हूँ इसके। अच्छा, ये थीम था आपके पास, ये क्या है, प्लगइन है। हम प्लगइन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे वो कहते हैं मेरे पास ये प्लगइन पड़े और इतने इतने यहाँ पे हैं, ठीक है। कंपनी के नेम क्या है, उनके प्रोडक्ट ये सब कुछ यहाँ पे दे रहे हैं आपको। अबाउट ये चले जाए, उसके बारे में यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट के बारे में। ठीक है जी, ये उसके अबाउट के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, इतना कुछ आपको दे रहे हैं बना के, इतना कुछ टेम्पलेट। बाकी इसमें आप मजीद आपने कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं आप। तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से उठाएं। देखें, टेम्पलेट उठा के आपने क्या करना है, उसको खुद से आपने करना है तब्दील, ठीक है। तो फिर मुझे अपने मंडे को दिखाना है वो। देखिए, और मैं भी बाकी ये जो मैंने स्टार्ट से समझाया ना, आप तो लेट आपने ज्वाइन किया क्लास, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। आप वहां से स्टार्ट से इसको देख सकते हैं कि किस तरह से काम हुआ है, ठीक है। डोंट वरी, आपको ये सारा का सारा समझ आ जाएगा। तो वीडियो को आराम से देखना आप, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए आपको इतना ही है, सिर्फ इस पे काम करें, ये बहुत काम है अगर आप करने बैठे तो, ठीक है। आज का दिन भी आपके पास है, रात भी आपके पास है, कल का दिन है, परसों का दिन है, मंडे को आपने, शाम को देख रहे हैं, 3 दिन आपके पास ऑलमोस्ट मुकम्मल है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ से करते हैं स्टॉप, आज का लेक्चर स्टॉप करने। अगर आप खुद से अपना पेज खुद बना कर रखते हैं इसमें, तो फिर भी आपके पास यहाँ पे शो देगा, जैसे आपका पेज बनता है उसमें कुछ से पोस्ट यहाँ पे ऐड करनी हो, उसमें कुछ आपने कुछ और ऐड करना होगा, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चार स्पेन थी, इस टाइम चार और चार पांच कंपास दिया है, मतलब क्या है, इस टाइम चार है ये के पास बने बने स्पेन पेज है। मजीद अगर आपने कोई और पेज लगा करा सकते हैं, ऐड कर देना वहां पे आप, मेन्यू बना लें आप, ऐड कर देना वहां पे, उसके अंदर मजीद कुछ वो करते हैं आप, एडिशन करते हैं, अभी ठीक है जी। आपको क्या मसला है इसमें दोनों को, बना ठीक है। मैवेश, बाकी कोई इशू मसला हो तो ठीक है, बाकी आप लेक्चर को देख के मुझसे डिस्कस कर लेना ग्रुप में, ठीक है। आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही, चलो खैर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। तो सेटिंग में खास आपको लैपटॉप है ना वो होगी, ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी है, बट क्लास को एंड।